वो एक्चुअली डॉग के लिए वो सही भी नहीं है कि आपने खाना खिलाया और तुरंत बाद अब बाहर लेके कभी मत जाओ, क्योंकि जब खाना खा लेते हैं उसके बाद अगर आप उसको वॉक पे लेके जाते हो तो उनका ना जैसे गले में प्रेशर पड़ता है या चलने के टाइम पे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उनको उल्टी शुरू हो जाएगा और कभी कभी तो डॉग को बहुत अनइजी सा भी फील होता है। तो इसीलिए वॉक आप मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है कि खाली पेट में उनको आप वॉक पे लेके जाओ, और इवनिंग को कभी मत लेके जाइए क्योंकि इवनिंग को बहुत ज्यादा गाड़ी का रश वगैरह भी होता है। अगर आप दे सकते हैं तो नाइट वॉक दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों खाना उनको इवनिंग को ही दे देना है, उनको बहुत लेट नाइट नहीं खाना देना है। अगर उनका अच्छे से आप प्रॉपर केयर करेंगे तो दोस्तों ये लोग बीमार भी ज्यादा नहीं पड़ते हैं, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है ये। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और फर्स्ट टाइम ओनर हूँ मैं जर्मन शेफर्ड का क्योंकि मैंने जिंदगी में एक देसी कुत्ते के पास भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा डर लगता था कि मुझे लगता था जैसे डॉगी मेरे पास में भी आता था तो मैं बोलती थी नहीं नहीं मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। और अभी तो मैं बोलते ना मैं पूरा फुल टू डॉग मॉम बन गई हूँ दोस्तों। मैं बाहर कहीं पे भी जाऊं दोस्तों सारे डॉग मेरे पीछे आ जाते हैं। मैं कुछ खाने के लिए दूं कि ना तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लोग मेरे पास आके मेरे को पूरा बॉडी में ऐसे बॉडी घिसते हैं। और एक ने तो पूरा हद ही पार कर दिया था मेरे पीछे पीछे। ऑटो कोई गाड़ी खराब हुआ था, हम लोग ऑटो से गए थे तो तभी दोस्तों वो डॉगी तो पूरा ऑटो के पीछे भाग भाग के आ रहा था। फिर मैंने ऑटो वाला भैया को बोला भैया रोक दो गाड़ी को, मैं उसको थोड़ा सा बोल देता हूँ ताकि वो चला जाए, क्योंकि वो इतना दूर पार्क से आ गया था और वो भी रात के 11:30-12 बजे के आसपास था, क्योंकि हमारा कुछ शूट का काम था। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, तो दोस्तों क्या हुआ, आया डॉगी पूरा बाहर तक आया, आके पूरा भाग के आ रहा है वो ऑटो के पीछे। तो मैंने वो भैया को बोला भैया रोको गाड़ी, तो रोका। फिर मैंने उसको बोला कि अरे मैंने उसको बोला कि बाबरे मैं तेरे को लेके नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में भी जगह नहीं है, और अगर मेरे घर में जगह होता दोस्तों तो मैं ले आती नो डाउट, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं जिसके कारण मैं अपना जो भी मन करता है वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से मैं उसको ला नहीं पाई, लेकिन मेरे को लाने का बहुत मन था। तो उसके बाद दोस्तों मैंने उसको बोला कि अभी तो रात के 11:30-12 बज गए बाबू, खाना भी नहीं है मेरे पास, तू चला जा मैं फिर आ जाऊंगी, फिर तेरे से मिलने के लिए आऊंगी। तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे वो डॉगी ये बात सुन के चला गया धीरे से, ऐसे थोड़ा मन दुखी होके वो चला गया। और वो ऑटो वाला भैया मुझे बोल रहे कि मैम आपने इसको ऐसा क्या बोल दिया जो वो ऐसे करके गया। मैं बोला मुझे नहीं पता, मैंने उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया, कुछ बिस्किट भी नहीं दिया, लियो को घर में मैं छोड़ के गई थी, मैं फोटो उठा रही थी उसी टाइम पे वो आके मेरे से ऐसे घिस रहा है। मैं बोला क्या हो गया, तो वो मुझे याद दिलाना चाह रहे कि बहुत रात हो गया है, लियो वहाँ इंतजार कर रहा है। मैं आजकल सच्ची में उन लोगों की बातें थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ और प्राय बातें मेरा 90% तक करेक्ट हो जाता है दोस्तों। क्या हो गया अपा, क्या हो गया मेरी जान के टिकरे को, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। इन लोगों को दोस्तों बिल्कुल पसंद नहीं आता ज्यादा बातचीत करना, इन लोगों को पसंद है खाली खेलो कूदो नाचो गाओ जो करना है करो। और मेरे बच्चे तो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, पूरे बोलते हैं ना उनको आप कोई भी एक आप अगर बोलोगे जीव खड़ा हो जाओ एक फोटो लेंगे तो पोज देना शुरू कर देता है कि मम्मा मैं ऐसे उल्टा होऊंगा, मैं उल्टा होने का फोटो लेने थे मम्मा। और लियो बोलेगा मम्मा मैं हाँ करूंगा, तो मम्मा मेरा ऐसा एक फोटो लेना ऐसे बोलते हैं दोस्तों ये लोग। ये देखिए कितना जेलेस, ये बोलता है लियो बोलता है मैं मम्मा से ज्यादा प्यार करता हूँ, और जू बोलता है मैं मम्मा से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये दोनों के बीच में खाली लड़ाई हो चुकी है, ये लड़ाई कहाँ से आ जाए, ये गले मिलना हो रही क्या, ये गले मिलना हो रही क्या, हाँ हाँ आई यो यो, अरे बाप रे मम्मा को गले मिला, मम्मा को गले मिला, मम्मा को गले मिला।